कहने के लिए कोंडागांव नगर पालिका में सेटअप अनुसार कर्मचारियों की पूर्ति होती है, लेकिन चतुर्थ कर्मी, सफाई कर्मी, चालक या वाटर लाइनमैन की छुट्टी या अघोषित छुट्टी पर चले जाने से व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे में पालिका के ऊपरी या कार्यालयीन कर्मचारी स्वयं मोर्चा संभाले दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा नगर के बस स्टैंड में देखने के लिए मिला, जब नगर सफाई के लिए स्वच्छता निरीक्षक को कचरा उठाने वाली ट्रैक्टर चलानी पड़ी। देखिए कोंडागांव से हमारे संवाददाता राम कुमार भारद्वाज की ये रिपोर्ट। दरअसल कोंडागांव को पूरी तरह से साफ रखने के लिए हर सुबह और शाम पालिका का वाहन कचरा उठाने का कार्य करता है। इसी बीच कचरा उठाने वाले वाहन का चालक बिना किसी सूचना के कार्य से नदारद रहा। ऐसे में चालक व लेबर के न होने पर मात्र एक लेबर के साथ स्वच्छता निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने कचरा उठाने वाली ट्रैक्टर को चलाया और उनके साथ ही एक सफाई कर्मी ने उनका सहयोग किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऊपरी या कार्यालयीन कर्मचारियों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा हो। इसके पूर्व भी ऐसा नज़ारा सामने आ चुका है। कर्मचारियों के कार्यभाव पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी लाल सिंह मरकाम ने सबसे पहले तो निर्देशित किया कि जो भी कर्मी बिना सूचना के कार्य से नदारद रहता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यह पालिका का दायित्व है कि लोगों को दिए जाने वाली सेवा निरंतर बनी रहे। इसके लिए हमारे कर्मचारी यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। सर, इन दिनों नगर के नगर पालिका के पास में कर्मचारी जो चतुर्थ कर्मी हैं उनकी थोड़ी कमी देखी जा रही है, इसके चलते अधिकारियों को स्वयं सफाई वाहन चलाना, पानी सप्लाई के लिए वाल चेंज करना, इस टाइप के कार्य करते दिख रहे हैं। कैसे इसी स्थिति निर्मित हो रही है? कर्मचारियों की कमी नहीं है, हमारे पास जो कर्मचारियों की पद स्वीकृत है वो पर्याप्त है। सफाई कर्मी एक्चुअल दूसरे गांव से आते हैं और वो प्लेसमेंट में है, हो सकता है कभी उनके घर में काम आया होगा तो वो लोग नहीं आ पाए होंगे। सर, दूसरे और चालक, ट्रैक्टर चालक वाले भी मामला है। अब ये तो अब तो मैं बात करूंगा तभी पता चलेगा, हो सकता है। अच्छी बात है कि हमारे जो कर्मचारी किसी तत्कालिक व्यवस्था के तहत अगर थोड़ी देर के लिए ट्रैक्टर चला दिए तो अच्छी बात है, काम ना रुके। सर, पानी के लिए भी व्यवस्था के लिए देखा गया है कि काफ़ी दिनों से नगर के कुछ बोर वगैरह खराब है, तो जो अधिकारी वर्ग के मतलब जो ऊपरी वर्ग के कर्मचारी हैं वो भी स्वयं व्यवस्था में लगे हुए हैं। एक्चुअल में अब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने जा रहा है, अब कई जगह की वाटर लेवल डाउन हो जाती है तो काम की व्यवस्था हो जाता है, तो हो सकता है वो प्रभारी कहीं वाल चेंज करने का काम किया होगा, काम ना रुके ऐसा करके। सर, एक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।